गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी फर्स्ट में पाठ 4 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है पतंग का मौसम। बच्चों, पतंग उड़ाना किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। और जब आसमान में हर रंग के पतंग उड़ते हैं तो देखने में और भी अच्छा लगता है। वैसे तो बच्चे हर दिन पतंग उड़ाते हैं, लेकिन पतंग का जो मौसम होता है वह बसंत का होता है। बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने का एक खास महत्व होता है। तो चलिए पहले हम आप लोगों को कविता पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। मौसम आज पतंगों का है, नव में राज पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सब ले डोर पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। उड़े पतंगे बस्ती बस्ती, कोई महंगी कोई सस्ती, पर न किसी में फूट परस्ती, उड़ा उड़ा कर सब लेते मस्ती। चली डोर पर बैठ पतंगे, इठ लाती सी ऐठ पतंगे, नभ में कर घुसपैठ पतंगे, करे परस्पर भेंट पतंगे। हर टोली ले खड़ी पतंगे, कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, आसमान में उड़ी पतंगे, पीच लड़ाने बढ़ी पतंगे। कुछ के छक्के छूट रहे हैं, कुछ के डोरे टूट रहे हैं, कुछ लंगी ले दौड़ रहे हैं, कटी पतंगे लूट रहे हैं। यह दिन पतंगों का होता है। कौन सा दिन? बसंत पंचमी का दिन। आकाश में चारों तरफ पतंग हर रंग के दिखाई देते हैं। खास तौर पे बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे उड़ाते हैं, उस दिन बड़े भी उड़ाते हैं। चारों तरफ केवल पतंगों का शोर होता है। सस्ती महंगी हर तरह की पतंगे दिखाई देती हैं उड़ती हुई आसमान में। उड़ती हुई पतंगों से पेच लड़ाते हैं और जब कट जाती है तो उसे लूटने के लिए बच्चे दौड़ते हैं। आप लोग भी दौड़ते होंगे, ज़रूर दौड़ते होंगे, और उस छीना झपटी में पतंग फट भी जाता है, लेकिन उसका एक अलग मज़ा होता है। तो बच्चों, आप लोग इसमें जो है 8 लाइन कविता कॉपी में सुंदर राइटिंग में कर लीजिएगा। धन्यवाद।